लेसन फर्स्ट का नेम है द चेंजिंग फैमिलीज। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज माइग्रेशन? MIGRATION। माइग्रेशन क्या है? आंसर द मोमेंट, MOVEMENT। व्हेन पीपल मूव, MOVE। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड सेटल SETTLE। इन द न्यू प्लेस PLACE इज कॉल्ड माइग्रेशन। क्या कह रहा है कि माइग्रेशन क्या है? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर, नई जगह पर जाकर बस जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम माइग्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई WHY डू पीपल PEOPLE माइग्रेट MIGRATE। ये क्या कह रहा है कि जो लोग हैं वो माइग्रेट करते क्यों हैं? आंसर पीपल PEOPLE माइग्रेट MIGRATE। फ्रॉम FROM। वन ONE। प्लेस PLACE। टू अनदर ANOTHER। फोर जॉब JOB। और टू गेट बेटर BETER। एजुकेशन EDUCATION। क्या कहा गया है इसमें कि जो लोग हैं वो जगह को बदलते क्यों हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें जॉब की जरूरत होती है, या वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस DIFFERENCE बिटवीन एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन? इसमें क्या बताना है कि एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में डिफरेंस क्या है? आंसर इमिग्रेशन MIGRATION मीन्स द एक्ट ऑफ एंटरिंग ENTERING कंट्री CONTRY इन मोस्ट ऑफ द केसेस विद द पर्पस ऑफ लिविंग देयर फॉरएवर FOREVER। इमिग्रेशन का मतलब क्या बताया कि ये वो एक्ट है जिसमें जो हमारा देश है उसमें, उस देश में लोग बाहर से आकर या रहने के लिए आ जाते हैं और यहीं रहते हैं। इमिग्रेशन मीन्स क्या होगा, इसमें लोग दूसरे देश से यहाँ पर आकर बसते हैं। एमिग्रेशन मीन्स EMIGRATION मीन्स द एक्ट ऑफ लिविंग
कंट्री, country, इन, मोस्ट ऑफ द केसेस, CASES, विद द पर्पस ऑफ लिविंग समवेयर एल्स फॉर एवर. एमिग्रेशन मीन्स क्या बताया, इसमें ये वो एक्ट है जिसमें ये अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं और हमेशा के लिए कहीं और जाकर रहने लग जाते हैं. देखो, इमिग्रेशन गो कमिंग टू ए कंट्री, मतलब कि अपने देश में किसी दूसरे देश से आए. हमने लेसन की रीडिंग की थी तब भी बताया था कि इमिग्रेशन मीन्स क्या होता है. एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे भारत देश में अन्य विदेश के लोग जैसे रूस, बांग्लादेश, इनके लोग आकर हमारे देश में रहने लग जाए, मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एंट्रिंग ए कंट्री, उन्होंने हमारी कंट्री में क्या किया, एंट्री की. और एमिग्रेशन मीन्स क्या हुआ, गोइंग टू ए कंट्री, मतलब कि वो हमारे देश से किसी दूसरे देश में जाकर रहने लग जाए. उन्होंने क्या किया, इमिग्रेशन किनको कहेंगे, जिनने इस कंट्री को छोड़ा है, लिविंग योर कंट्री, जो हमारे कंट्री को छोड़ रहे हैं. तो ये था इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में डिफरेंस. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, उसके कारण क्या होते हैं. द फोर्स्ड मूवमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. जो फोर्स से जबरदस्ती मजबूर होकर जो जगह छोड़नी पड़ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. Thousands of people are displaced of dams, factories, buildings, flyovers, roads, etc. क्या कह रहा है कि हजारों लोग ऐसे हैं जो कहां से विस्थापित होते हैं, बांध, फैक्ट्रियां, बिल्ड इमारतें, फ्लाईओवर, जो रोड होते इत्यादि क्या है, विस्थापित हो सकते हैं. When slums are demoralized, people are forced to displace from their living place. जब क्या है, उनकी जो झुकी झोपड़ियां होती है वो ध्वस्त हो जाती है, तो क्या है, उनको मजबूर होकर अपनी जगह को छोड़ना पड़ता है. Many times natural disaster like floods, earthquakes, etc. also result in displacing families and shifting homes. और क्या कारण हो सकते हैं विस्थापन के, जैसे क्या है, प्राकृतिक आपदाएं, फ्लड, बाढ़ आ जाए, साइक्लोन, चक्रवात आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो क्या है, उनको मजबूर होकर अपनी जो है झोपड़ियां छोड़नी पड़ती है. जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी विस्थापन का एक कारण बनती है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ कैन यू से दैट द फैमिली स्ट्रक्चर इज चेंजिंग. हम ये कैसे कह सकते हैं कि अब फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गया है. आंसर देखो इसका, मैनी वुमेन आल्सो गो आउट टू वर्क. ये क्या कह रहा है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी औरतें कहाँ जाती है, बाहर काम पर जाती है, काम करने के लिए जाती है. दे हैव गोट equal opportunities in the field of education and career. ये क्या कह रहा है कि अब उनको बराबर अवसर मिल रहे हैं किसमें, शिक्षा और व्यवसाय में, वुमेन को बराबर अवसर मिल रहे हैं. This clearly shows
चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर, इससे क्या साबित होता है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है अब चेंज होता जा रहा है। क्वेश्चन फिफ्थ में यही पूछा है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है हम कैसे कह सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है। तो हमने लेसन की रीडिंग की थी तब पढ़ा था कि जो पहले वाला समय था उसमें क्या है, वो मैन सिर्फ घर का काम करती थी और जो मैन है वो क्या है, वो बाहर जाकर पैसे कमाने के लिए काम करते थे। लेकिन अब इस टाइम नाउडेज क्या है कि जो मैन है वो भी कहां जाए, गो आउट टू वर्क, और क्या है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। कौन कौन सी फील्ड में, एजुकेशन हो गया, कैरियर हो गई, दोनों में क्या है बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इसलिए क्या शो करता है, ये क्या दिखाता है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो अब चेंज हो चुका है। ये हमारे लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर थे। अभी फिल इन द ब्लैंक्स देखो। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सेटल इन द न्यू प्लेस इज कॉल्ड। ये हमने लेसन रीडिंग की तब भी पढ़ा था, अभी क्वेश्चन फर्स्ट भी था। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये ब्लैंक्स दे रखा है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर किसी नई जगह पर जाकर बस जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम, माइग्रेशन। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, माइग्रेशन। व्हेन स्लम्स आर डिमोरलाइज्ड पीपल आर फोर्स्ड टू ब्लैंक फ्रॉम देयर लिविंग प्लेसेस। तो जहां पर हमने ब्लैंक बोला था तो उसमें क्या आएगा, जब लोग क्या है उनकी झुग्गी झोपड़ियां जो भी होते हैं ध्वस्त हो जाती है, किसके कारण से होती है, उनको मजबूरन विस्थापित किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डिस्प्लेस। थर्ड है पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ ब्लैंक। इस ब्लैंक में क्या आएगा, जो लोग है वो अलग अलग जगह पर क्या खोजने के लिए जाते हैं, क्यों माइग्रेट करते हैं, वो किसकी खोज करते हैं, जॉब्स की। फोर्थ है टुडे वुमेन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। हमने दो जगह ब्लैंक बोला है, तो हमने रीड किया था कि जो वुमेन है अब उनको बराबर अवसर मिल रहे हैं, कौन कौन से फील्ड में, एजुकेशन और कैरियर, दोनों ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, एजुकेशन और कैरियर। ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो। फर्स्ट है पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह किसके लिए जाते हैं। ए ऑप्शन है फन, बी ऑप्शन है एंजॉयमेंट, सी ऑप्शन है जॉब और डी है सैडनेस। तो इसमें क्या आ जाएगा, जॉब। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर जॉब, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेकंड है थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड व्हेन, ऑप्शन ए डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, ऑप्शन बी स्लम्स आर डिमोरलाइज्ड, ऑप्शन सी फैक्ट्रीज आर बिल्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या है, जो हजारों लोग हैं वो विस्थापन करते हैं किन किन कारणों से, ये तीनों ही कारण होते हैं जिसके कारण हजारों लोग विस्थापन करते हैं, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। थर्ड है वी मीट रिलेटिव्स हू लिव इन अनदर सिटी ओन, जो हमारे रिश्तेदार हैं वो क्या है, हम किसी और शहर में रह रहे हैं तो हम उनको कब मिलते हैं, ऑप्शन ए है फेस्टिवल,
ऑप्शन बी है डेली बेसिस, ऑप्शन सी है मंथली बेसिस, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार है जो हमसे दूर रह रहे हैं, शहरों में सिटी में रह रहे हैं कई और जगह, हम उनको सिर्फ कहाँ पर मिलते हैं, जब फेस्टिवल्स होता है तब मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, द फोर्स्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपल इज कॉल्ड, वो लोग जिनको क्या है दबाव से जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट शिफ्टिंग स्थानांतरित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम। ऑप्शन ए है माइग्रेशन, ऑप्शन बी है इमिग्रेशन, ऑप्शन सी है एमिग्रेशन, और ऑप्शन डी है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रू फॉल्स देखो, ट्रू फॉल्स में क्या है, फर्स्ट द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स, जो लोग माइग्रेट होते हैं क्या माइग्रेंट्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू राइट आ जाएगा इसमें। सेकंड वाला है नाउ इट इज ओनली मैन गो आउट टू वर्क, ये क्या कह रहा है कि जो अब क्या है सिर्फ मैन काम पर बाहर काम पर जाते हैं, लेकिन अब तो क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वुमेन्स को भी, तो क्या आ जाएगा इसमें, रोंग। थर्ड है फैमिलीज हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वन रीजन, इसमें क्या कह रहा है कि जो फैमिलीज है वो सिर्फ एक ही कारण से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट होती है, लेकिन इसके तो बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसलिए इसमें क्या जाएगा, रॉन्ग फॉल्स आएगा इसमें। फोर्थ है नावेडेज देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिलीज, फोर्थ में क्या आएगा, ट्रू। ये क्या कह रहा है कि अब इन दिनों क्या है फैमिलीज में, फैमिली स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा इसमें, ट्रू। आज की क्लास में हमने किया है लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स, ये सभी क्या है हमें अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, और पीछे वाले लेसन की रीडिंग भी करनी है, क्योंकि लेसन अच्छे से रीडिंग होगी तो ही हम क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स ये सब अच्छे से कर पाएंगे। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, आज हमने चार टॉपिक किए हैं, क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।